हेलो, आई एम सो हैप्पी विथ माय वीडियोस कि मैं इतने वीडियोस बना के डाल रही हूँ। फेमिनिज्म वो कंसेप्ट मुझे समझना पड़ेगा। जस्ट फीमेल्स अप्रिशिएटिंग अदर फीमेल्स, बट द थिंग्स आर गोइंग सो अदरवाइज दैट दे आर टैगिंग फेमिनिज्म। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दे से सच वर्ड्स। एक औरत दूसरी औरत को जानती है, अप्रिशिएट करती है, और इतना हम एक दूसरे को समझते हैं ना कि हम अपने आप को फेमिनिस्ट कहते हैं एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। बट आई थिंक फेमिनिज्म को इतना टैग इसलिए दिया गया है क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि औरतें भी बहुत ज़्यादा छूट मिल गया है इन लोगों को, एंड दे कॉल अस फेमिनिस्ट। भूल जाते हैं क्या कि क्या रिलेशन है, क्या रिस्पेक्ट है, हाउ मच रिस्पेक्ट दे हैव टू से। फेमिनिस्ट ऐसे बोल दिया जैसे बोल के हटा दिया, लाइक अ स्लैप। सो अदर साइड दे से वी रिस्पेक्ट वूमेन, बट वी जस्ट कॉल फेमिनिस्ट टू फ्यू हु कॉल देम सेल्फ एज फेमिनिस्ट और हु आर पार्ट ऑफ ग्रुप ऑफ यूनियन ऑफ फेमिनिस्ट। सो फेमिनाइन फीमेल से फेमिनिस्ट वर्ड बना है ना, हु एक्ट ऑन दिस पार्ट और हु डोंट एक्ट और अंडरस्टैंड अबाउट फेमिनिस्ट। इट्स देर इज नो थियरी अबाउट if whoever has explained feminism or feminist who are feminist, so I think they don't understand. ऐसा नहीं है कि वो लोग घर में खाना नहीं बनाते, लेकिन वो अपने हक की लड़ाई लड़ती हैं, वो आगे चल के बोलती हैं। दे एक्ट एज अ मेल ऑफ द हाउस, यू नो, अभी तक तो मॉम ऑफ द हाउस मैंने प्रीवियस वीडियोज में कहा, बट दे एक्ट एज सो मच ऑफ रिस्पॉन्सिबल पर्सन एज अ सिटीजन एज अ मेल ऑफ द हाउस। तो यहाँ पर वो मेल थोड़ी सी बन जाती हैं और हक की लड़ाई लड़ती हैं। दे आस्क फॉर द राइट्स फॉर फीमेल्स, सो दे आर कॉल्ड फेमिनिस्ट, क्योंकि नारेबाजी करती हैं ना। तो कुछ अगर जाकर नारेबाजी करती हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसे अलग से टैग दो जैसे ऐसा लगता है कि वो दूसरे ग्रह से आई हैं। दे आर वूमेन, कॉल देम वूमेन ओनली एंड से वी अप्रिशिएट वूमेन पावर एंड देयर यूनिटी। वी शुड से दैट, नॉट डिसरिस्पेक्ट द वर्ड फेमिनिस्ट। मैं तो जब भी सुनती हूँ ना फेमिनिस्ट ऐसे कहते हैं उसके ऊपर, हाँ हॉर्न बज रहे हैं भैया आपके गाड़ी को छोड़ दो, सो दैट फील्स लाइक हॉर्न ग्लिच हो रहा है। आई डोंट लाइक, जल्दी आओ, मैं मारियो जंप करके जल्दी आओ। एंड द रेज ना, व्हाट हैपेंस, वुमेन शो मोर, या वी आर फेमिनिस्ट, वी कैन डू दिस, वी कैन डू दैट। That is just a rage, okay? Anger against those who are not understanding women and woman power. Just क्योंकि woman आगे आ रही है, एकता दिखा रही, unity दिखा रही है, अब वो नारेबाजी कर रही है तो tag डाल दिए feminist। ऐसा नहीं है। पहले जब वो unions होते थे ना, जो मैंने मूवीज़ में देखे हैं, मैं वही बताऊंगी कि हमने ऐसे कभी कहीं पे देखे नहीं है नारेबाजी। अभी तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का होता है ना, रोड पे धरना और वो रैली, दैट इज़ डिफरेंट थिंग ना। लेकिन जब हम लोग पहले मूवीज़ में ही देखे, फैक्ट्रीज़ के वर्कर्स यूनियन बन जब रहते थे, यूनियन लीडर होते थे, तो वो लोग नारेबाजी करते थे, हक की लड़ाई लड़ते थे। उस वक्त सारे मेल ओरिएंटेड थे ना फैक्ट्रीज में, तो उन लोगों के लिए नाम नहीं रखा गया, बट अब लेडीज़ लोगों के लिए नाम रख दिया क्योंकि दे आर ट्राइंग टू बी, दे आर ट्राइंग
टू मेक पोजिशन, दे वॉन्ट अ पोजिशन ना, दे ऑल्सो वॉन्ट टू रीच टू द लेवल. वाई वी डोंट हैव एनी डेफिशिएंसी. डेफिशिएंसी डजंट कम्स ओनली इन न्यूट्रिशन, ओके. डेफिशिएंसी इन लैक इन स्ट्रेंथ, लैक इन नॉलेज, वी डोंट हैव दैट डेफिशिएंसी. देन दैट इज नॉट अ डिजीज. और अगर निर्बल, जो पुराना ज़माना था, निर्बल समझा जाता था, लेकिन नारी का जो स्ट्रक्चर होता है ना एज पर बॉडी स्ट्रक्चर, तो वो चाहे उनका एक सर्टन लिमिट ही होता है, वो उतना ही वेट उठा सकती है बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर. अब तो अब जाके देखिए कि हम लोगों में भी कितने हाइटेड हाइटेड लेडीज़ होती है, इतना न्यूट्रिशनल वैल्यू, ये तो किसी को बताने का यानी याद दिलाने का, रिमाइंड करने का मुझे ज़रूरत भी नहीं है कि पहले लड़कियों को न्यूट्रिशन के नाम पर यानी कुछ भी नहीं मिलता था. द फीमेल्स यानी कि बेबीज, गर्ल ऑफ द हाउस, दे वर मैल नरिश्ड बिकॉज दे कुपोषण और ये सब का शिकार ज़्यादा औरतें या लड़कियां होती थी. और घर के, घर में माँ तो होती ही है ना, घर के ही लोग लड़कियों को उतना न्यूट्रिशन नहीं देते थे. गर्ल्स इसके उस वजह से उतना उनमें स्पोर्ट्स के लिए एबिलिटी नहीं होता था बिकॉज यू नीड स्ट्रेंथ. तो आप जब अच्छा खाएंगे तभी तो आप अच्छे स्पोर्ट पर्सन बनेंगे, आप उतना स्ट्रेंथ दिखा पाएंगे, आप में उतनी एनर्जी आएगी. कितना बदलाव आ गया है हमारे देश में कि अब जाके ये सुनना पड़ रहा है फेमिनिस्ट वर्ड. उसके पहले हक की लड़ाई लड़ते लड़ते पढ़ाई से रिलेटेड, भोजन से रिलेटेड, अब फेमिनिज्म और फेमिनिस्ट का जो जलन, ये अभी एक बाकी है. ये सब जलन ही नज़र आ रहा है. अगर हम वो हायरार्की देखेंगे, फीमेल फीटिसाइड, इन्फेंटिसाइड, फीटिसाइड, आई विल चेक, आई जस्ट केम इन टू माई माइंड बिकॉज आई हैव रेड अबाउट इट. बट उसको क्या बोलते हैं ना, गर्भ में गर्भपात, मतलब लड़कियां दे डिटेक्ट कि बेबी गर्ल है तो गर्भपात करा देते थे. तो हमारे देश में वो अभी बंद हो चुका है कि वो डिटेक्शन ही नहीं होगा, स्कैनिंग ही नहीं होगा, तो दैट इज़ अ क्राइम. तो फीमेल इन्फेंटिसाइड और फीटस something, I have the knowledge but not the memory towards it, and I have read about it also, good books. और जिस वक्त जो flow चलता है ना उसके बारे में मैं पढ़ती हूँ हमेशा. अभी जो चल रहा है drugs के बारे में, वो तो मैं, I keep myself updated in the day. For 1.5 years I didn't check much news because ऐसे ही वो आपका थोड़ा सा है डब्बे में मॉर्निंग वाला देख लो. हाँ हाँ, तो हम लोग का आप देख सकते हो. मेरी भाभी है ना, मेरी जेठानी, तो मैं उनको वही बोलती हूँ, शी इज़ सो नॉलेजेबल एंड शी इज़ अ ग्रेट कुक. मतलब 50 लोग का खाना तो वो अकेले ही बना लेती है. तो मैं उनको ये कहती हूँ कि आप किचन में ही रह गए, आप एक काम करिए कि आप आपका यूट्यूब चैनल बनाइए और आपका ज्ञान बांटिए, क्योंकि उनका थिंकिंग भी अच्छा है और उनकी वाणी इतनी अच्छी है, उनका टैलेंट स्पीकिंग के लिए इतना अच्छा है, उनका ज्ञान बहुत अच्छा है. मैं उनको भाभी बोलती हूँ, वो मेरी जेठानी है, तो मैं उनको वही बोल रही हूँ. देखिए बहुत सारे टैलेंट ना जैसे घरों में अंदर है अभी भी, दे वॉच यूट्यूब चैनल्स बट दे आर नॉट रेडी टू टॉक.
हो, अगर इन लोगों के ज्ञान भी अगर वीडियोस में आ जाएंगे तो आज हमारे देश में और भी जो दूसरी नारियां हैं ना, उनको पता चल जाएगा कि अरे इतने ज्ञानी ज्ञानी लोग हैं लेकिन आगे आके बोलते नहीं हैं, क्योंकि दिन भर तो घर का काम करते हैं ना वो लोग, बच्चे भी उनके अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनका पूरा दिन घर का खाना बनाने में, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में, मेरा एक एक वर्ड मैंने बताया था, थोड़ा सा कुछ कहना रहता है कुछ दूसरा वर्ड आ जाता है उसमें चला जाता है। तो अभी मैं गई थी, जब मैंने बताया था ना मैं उनके यहाँ जा रही हूँ, तो वो है, और मेरी सेकंड नंबर भाभी है ने, सेकंड नंबर जेठानी है, उन्होंने तो PhD किया है। तो अगर ये टैलेंट है, इंटेलिजेंट लोग अगर यूट्यूबिंग करेंगे तो हमें कितना ज्ञान मिलेगा। और मैं तो ऐसे बैठ के अपने पास्ट के बारे में या फिर मुझे जो जानकारी मिल रही है उसके बारे में कह कर मैं एक वीडियो बना रही हूँ, मैं अपनी एक धारणा बता रही हूँ, बस वही मैं कह रही हूँ। लेकिन उन लोगों के पास कुछ अनोखी बातें हैं, एडिशनल बातें हैं, उनके फैमिली से जो उन्होंने सीखा है, जैसे वो उनके मम्मी के बारे में बताती हैं, बड़ी वाली भाभी है ना अपनी मम्मी के, कि जब उनकी मम्मी 8th class में थी तब 8th कक्षा में, तब उन्होंने चारों वेद, कितने पुराण बोले थे, 14 पुराण बोले थे शायद, ध्यान नहीं गया मेरा, मेरे ख्याल से 14 पुराण कहे थे। उनकी मम्मी ने, उनकी माता जी ने ये पढ़ लिए थे 8th कक्षा के एज अ स्टूडेंट। आप सोचिए कि ये सब उनको आता था, उनकी माता जी को, तो माता श्री इतनी ज्ञानी थी। और जब उनके खाने की बात करते कि जब वो रोटी बनाती है ना, तो वो रोटी ऐसा लगता है कि जैसे उसमें शक्कर है, इतना मीठा और प्रॉपर राउंड रोटी, पराठा बना दे तो प्रॉपर ट्रायंगुलर पराठा, एकदम सॉफ्ट, और उस पराठे के साथ आपको कुछ भी खाने का ज़रूरत नहीं है, इतनी ब्लेस्ड। तो उन्होंने अपने यहाँ से जो सीखा है वो हमें बताते हैं। अभी जो उनको किसी भी टॉपिक के बारे में बोल दो तो हमेशा वो, मैं उनको बोलती हूँ आपको कभी समय मिलता है ये सब देखने का, किसी भी बारे में आप ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में भी स्टार्ट कर दो ना, उसके बारे में बता दे देंगी उनको। पॉलिटिकल, मुझे तो पॉलिटिकल जानकारी नहीं है इतना, मैं चाहे कितना भी देख लूँ, लेकिन वो सब बता देंगी कौन से नेता है, मतलब सब एवरीथिंग शी नोज, वो जो देखती है वो समझ जाती है पॉलिटिकल रिलेटेड। इवन दो आई रीड इट इन सिविक्स ऑल्सो ना, वॉट वी कॉल इट डेमोक्रेसी ऑफ अ कंट्री एंड पॉलिटिकल वर्ड कहते हैं ना, इट्स बेटर पॉलिटिकल मैप वर्ड ही अच्छा है, पॉलिटिक्स डिप्लोमेटिक ये सब वर्ड कहते ही ना आई डोंट एन्जॉय। सो व्हेन वी स्टडी अबाउट अवर गवर्नमेंट एंड द प्रोसीजर्स एंड देयर प्रोसीजर्स, देयर अंडरटेकिंग्स, देयर राइट्स एंड ड्यूटीज, वी हैव स्टडीड ना, एंड टिल नाउ लाइक आई सेड ना, आई एम रीडिंग अबाउट दिस इन सिविक्स, एवरी ईयर वी कम टू नो समथिंग न्यू, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट माई सन इज स्टडिंग, देन आई ऑल्सो स्टडी फ्रॉम हिज बुक्स, बिकॉज फ्यू थिंग्स वी कम टू नो फ्रॉम बुक्स, दैट इज़ लाइक थियोरी पार्ट, द न्यूज़ एंड ब्रेकिंग न्यूज़ इज़ लाइक द करंट इवेंट्स ऑफ द कंट्री। सो माई भाभी शी इज़ वेरी, यानी जेठानी, मैं भाभी कहती हूँ ना हर बार, वैसे दोनों तरफ भाभी कहती हूँ, लेकिन वीडियो में भाभी कह रही है तो मुझे मेरे भाई की वाइफ याद आ रही है, मतलब ऐसे वो दिख रही हैं, तो इसलिए हर बार मेरे मुँह से फिर मुझे कहना पड़ता है जेठानी, तो सबको भाभी ही कह रहे हैं। तो ये जो भाभी है ना हमारी, जेठानियाँ दोनों बहुत इंटेलिजेंट हैं, और मैं तो उन लोगों को कहती हूँ कि अभी सब लोग आ जाओ और वीडियो करो, हस्बैंड तो है ही पीछे से कर रहे हैं इशारे जेस्चर्स, उनको मैं बोली कि इतना नॉलेज है तुम लोगों को,
अभी कोई भी पॉलिटिकल इवेंट के बारे में बोल दो, करंट अफेयर के बारे में बोल दो, दे विल फॉर नेशनल टू इंटरनेशनल एवरीथिंग दे नो. When everybody is speaking on Twitter, YouTube and every others are listening also, same thing. Though we are not a media, we are not covering others live. But the knowledge we gain from other sources, then what is our understanding about them? Then what is our finding towards it? And we compare and we can make one compare list na? We can make one compare list and make one video. Everybody will be happy. और मैं भी, मुझे तो कितना बैठ के बताते रहते हैं लेकिन मैं सोचती हूँ मुझे समझ में क्यों नहीं आता है. ऐसे बॉलीवुड का जैसे ही बोल देंगे ना सब समझ में आएगा. जैसे अभी बॉलीवुड अभी न्यूज़ में है ना बिकॉज ऑफ सम रॉन्ग रीज़न, लेकिन वो समझ में आ जाएगा. अभी मुझे वो एक नया वर्ड आज पता चला, क्या था, NIA CIA क्या था, कुछ तो था, NIA मैंने पहले कहा, लेकिन मेरे इनर सेल्फ ने CIA कहा. तो जिसने जो गलत कहा है उस गलत इनर सेल्फ को मैं बाहर निकाल रही हूँ थ्रू माई वीडियोज. व्हेन आई कीप ऑन स्पीकिंग मैं एक राइट वर्ड बोल सकती हूँ, रॉन्ग वर्ड बोल सकती हूँ, देन आई क्रॉस चेक एंड आई वॉन्ट टू नो वाई आई एम टेकिंग इट रॉन्ग. आई मीन रॉन्ग वर्ड्स क्यों आते हैं. CIA तो फॉरेन में है शायद, या तो ये दोनों वर्ड्स है. NIA मैंने आज फर्स्ट टाइम सुना है, CIA मैंने सुना है पहले, दो आई डोंट नो द फुल फॉर्म. CIA कहाँ पे, CIA US में है ना, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एंड दिस इज नेशनल. सो NIA इज बीन ऑथराइज्ड टू टेक द ड्रग केसेस फ्रॉम टुडे. टुडे मतलब नाउ ऑन, मतलब विथ इफेक्टिव फ्रॉम, दैट इज द डेट इज नॉट मेंशन. बट तो फिर ये पता चला कि ये रीज़न है कि पुलिस जो ड्रग केसेस का FIR नहीं लिखती है. आज मुझे पता चला बिकॉज दैट मिस्टर सिंह लॉयर ही वॉज सेइंग कि इसके लिए पुलिस जो है ना हिचकिचाती हैं FIR लिखने के लिए ड्रग केसेस का. अब उनको चिंता नहीं रहेगा क्योंकि NIA के पास आ गया है. अब ये बॉलीवुड से रिलेटेड है ना इसलिए मुझे बहुत अच्छे से समझ गया. अच्छा, इसीलिए पुलिस नहीं लेती थी क्या, क्योंकि क्राइम पेट्रोल तो हम लोग भी देखते पर इतना ड्रग्स के बारे में उसमें कभी इतना आया नहीं है. बट क्राइम पेट्रोल में तो हमेशा पुलिस को एकदम एक्टिव दिखाया है, कभी ऐसा उसमें दिखाया है इतना जहाँ तक मैंने देखा है तो उन लोगों ने दिखाया नहीं कि पुलिस ने कभी FIR के लिए मना किया है. सो क्राइम पेट्रोल हैज़ द रियल पुलिस और वी हैव अ ड्रीम टू हैव सच पुलिस. तो जो भी दे दो सब सॉल्व. उसका हेड भी वैसे घूमने लग जाता है, इतनी फास्ट है क्राइम पेट्रोल की पुलिस, एक घंटे में सब सॉल्व. एक बात बता दूँ, वो तो बाद में सब किसका कितना कहाँ तक पहुँच है ना इसके लिए पुलिस संकोच करती है, लेकिन पुलिस के पास इतने सोर्सेज है रियल में जो क्राइम पेट्रोल में उनको एक घंटा या तीन चार एपिसोड में खींचते होंगे. लेकिन पुलिस तो ऐसे उसको पता चलेगा, अच्छा वो था ऐसा, जैसे पता चले कौन सा एरिया था वो FIR लिखते वक्त ही बता देंगे ना, बता सकते कि किसने ये किया है. इतना उन लोगों में नॉलेज है एरिया वाइज. तो कभी कभी एरिया वाइज वो लोग लेते भी नहीं कि नहीं नहीं हमारा इतना ही बाउंड्री है, हम लोग आपका FIR यहाँ नहीं लिख सकते. फिर वो ज़ीरो FIR सिस्टम आया लेकिन वो कहाँ चला गया पता नहीं है अभी मुझे, लेकिन मेरे ख्याल से अभी भी पुलिस यही कहती है कि एरिया वाइज ही FIR होता है. वो अंडर ज़ीरो FIR मेरे ख्याल से बहुत सेंसिटिव केस, अर्जेंट केस के लिए होगा. उसके बाद तो अभी तक ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया है ज़ीरो
FIR का, हाउ प्रोमिनेंट इट इज एंड हाउ दे आर गोइंग अबाउट इट, आर पीपल रियली यूजिंग जीरो FIR बेनिफिट। कितना मुझे वर्ड ढूंढना होता है। कितना मुश्किल से मैंने स्टेटमेंट कहा है, कैसे लोग इतना फटाफट बोल देते हैं। और मुझे तो फिर ज़्यादा बोल दो तो नोज पे खुजली हो रही, वहाँ हो रही है, कैसे मैं स्पीकर बनूँगी, कैसे बनूँगी। देखो मैं अपने अपने बारे में, अपनी कमियों के बारे में डायरेक्ट सामने बोल रही हूँ, वीडियो में बता रही हूँ। और फिर बीच बीच में भूल जाती हूँ कि मुझे कोई प्रॉब्लम है या था। See, every human wants to be a normal person. कितना भी उस पर विपत्ति रहे, कितना भी उसे हिट किया जाए, कितना भी उसको टॉर्चर किया जाए, उसके अंदर कितने भी टेंट्रम्स हों, दूसरे दिक्कत दे रहे हो, लेकिन हर इंसान नॉर्मल रहना चाहता है। नॉर्मल यानी शांत और कुछ दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, यही चाहते हैं ना हमारी लाइफ में, ऐसा रहना चाहते हैं हर कोई, इसको कहते हैं नॉर्मल लाइफ। तो हम सब नॉर्मल रहना चाहते हैं, उन्हें तो ये प्रेशर, वो प्रेशर, ये स्ट्रेस, वो डिप्रेशन, और फिर वी एंड अप टू एंड द रिक्वायरमेंट्स, द रिक्वायरमेंट दैट इज़ प्रेशर, द रिक्वायरमेंट कम्स अंडर द प्रेशर पार्ट। जब रिक्वायरमेंट आ जाता है तो वो प्रेशर आ जाता है टू बी ऑन द टॉप। उसके लिए अभी लड़कियों का क्या है, करंट रिक्वायरमेंट, व्हाट इज़ कॉल्ड ट्रेंडिंग, और भी कोई अच्छे वर्ड्स होंगे, मेरे पास तो अभी यही शब्द हैं। तो टू बी इन फैशन, दैट इज थिनिंग, स्किनिंग। स्किनिंग आया था कुछ 10 साल पहले, मुझे याद है, हम लोग मॉडलिंग चैनल भी जब आया था FTV तब देखते थे। तो जब FTV आया था ना, तो इंडिया में वो ट्रेंड चल गया था स्किनी रहना। हाँ, दैट दोज फेज वॉज वॉट ना, वेर मॉडल्स वर सिलेक्टेड एंड दे वर मेड द स्टार्स फॉर एक्टिंग एंड दोज मॉडल्स।